स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल मिशन मिशन गुरु में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं ओवा फ्रेश एम टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के यूजेज, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, साथ ही साथ इसकी एमआरपी, किस तरह के परेशानियों में इस टैबलेट को डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, इसकी एमआरपी कितनी होती है, महिलाओं को यह टैबलेट क्यों दी जाती है, इसका डोज वगैरह कितना रहता है, सारी जानकारी आपको ओवा फ्रेश एम टैबलेट से संबंधित देने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की मेडिसिन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करें वो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर पहुंचे। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसका जो कंपोजिशन है यानी इंग्रेडियंट्स है, इस फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेंट्स मायोइंस्टाल इसमें दोस्तों 550 मिलीग्राम दिया हुआ है यानी 550 mg, डिकाइंस्टाल इसमें 13.8 mg है, मेटफॉर्मिन इसमें 500 mg है, मेथाइल फोलेट कैल्शियम फॉर्म में है जो कि 0.5 mg है, साथ ही साथ इसमें मेकोबेलामिन 750 mcg दिया हुआ है यानी 750 माइक्रोग्राम दिया हुआ है। एमआरपी की बात की जाए तो 225 रुपये का एक पत्ता मिलता है जिसमें 10 टैबलेट पाया जाता है। इसके अलावा इसके जो है कंपनी के बारे में बात करें तो क्राइटस लाइफ केयर कंपनी के द्वारा यह मेडिसिन बेची जाती है, और यह जो है एक्यूम्स ड्रग्स फार्मास्यूटिकल के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब हम जानेंगे इसके यूज के बारे में। तो दोस्तों इसका जो सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन होता है महिलाओं में होता है और पीसीओएस वाले प्रॉब्लम में होता है यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वाले प्रॉब्लम में होता है। इस कंडीशन में दोस्तों कुछ सिम्टम्स भी महिलाओं में नजर आने लगते हैं। इस तरह की जब प्रॉब्लम्स होती है पीसीओएस वाली महिलाओं में, एक तो उनका हेयर लॉस वाला प्रॉब्लम दिखेगा, साथ ही साथ पेल्विक पेन दिखेगा, इनफर्टिलिटी, ओवरवेट, इसके अलावा उनका जो मेंसेस रहता है जिसे पीरियड कहते हैं वह भी इरेगुलर हो जाता है, चेहरे पे फेस पे जो है एक्ने दिखने लगते हैं, इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी जो है थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करने लगता है। तो दोस्तों ओवा फ्रेश एम टैबलेट जो है एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, इसका यूज जो है पीसीओएस वाले प्रॉब्लम में महिलाओं को दे करके जो है उसको सही करने के लिए किया जाता है। यह क्या करता है दोस्तों, यह इंसुलिन के लिए शरीर की प्रतिक्रिया को बढ़ाता है और हार्मोन्स को जो है संतुलन बनाए रखता है। इससे जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं में वह धीरे धीरे क्योर होने लगती है, उनका बॉडी वेट वगैरह जो है धीरे धीरे सही होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों अब हम जानेंगे प्रॉपर तरीके से इस तरह इसे जो है किस तरह से लिया जाता है और किस तरह से कार्य करती है। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इन महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन होता है जिसे अनियमित मासिक चक्र, महावारी जिसे कहते हैं, बालों की अत्यधिक वृद्धि और मुहासे बहुत ज्यादा चेहरे पर दिखते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और जब हार्मोन संतुलन जो है बिगड़ जाता है तो इस सिचुएशन में दोस्तों प्रेगनेंसी जो है महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं, उनको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इस टैबलेट के देने से दोस्तों जो उनके चेहरे पर एक्ने वाली प्रॉब्लम दिखती है, इसके अलावा जो इरेगुलर मेंसेज वाली प्रॉब्लम रहती है, साथ ही साथ हिस्टोजम वाली प्रॉब्लम रहती है, और बहुत ज़्यादा अगर महिला का वेट रहता है तो अभी धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है क्योंकि इसमें मेटफॉर्मिन भी दिया हुआ है दोस्तों। तो ये जो है इसका यूज होता है खास करके जो है महिलाओं में पीसीओएस और पीसीओडी वाले प्रॉब्लम में दिया जाता है। इससे जो है जब उनकी सॉरी प्रॉब्लम धीरे धीरे क्योर होने लगती है तो फिर जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो दोस्तों ये सारे इसके यूजेज और बेनिफिट थे, आइए जान लेते हैं ओवा फ्रेश एम टैबलेट के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। तो इस टैबलेट के लेने से कुछ पेशेंट्स में दोस्तों देखा गया है उनमें जो है स्वाद में बदलाव आ जाता है, मिचली आना, उल्टी आना, डायरिया, पेट में दर्द, ये थोड़े मोड़े साइड इफेक्ट कुछ एक आधा पेशेंट में देखने को मिलते हैं जो कि अपने आप ही ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं, डॉक्टरों से ज़्यादातर सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि बहुत ज़्यादा कोई साइड इफेक्ट इस टैबलेट के लेने से अगर आपको होता है तो आप अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद इसका यूज करें। इसके अलावा दोस्तों अब हम जानेंगे इसके डोज के बारे में। तो इसका जो डोज होता है 1 tablet BD का डोज होता है यानी कि 1 tablet सुबह और 1 tablet शाम। बाकी दोस्तों एज पर कंडीशन, एज पर सिचुएशन डॉक्टर आपको इसका डोज जो है डिफरेंट भी दे सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी मिलेंगे आपसे इसी तरह के किसी अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।